सो फर्स्ट ब्लॉग में आप लोग देखे थे हम बैंगलोर टू विजयवाड़ा कैसे ट्रैवल किए, कितना टाइम लगा, और अभी सेकंड ब्लॉग में आप देखेंगे विजयवाड़ा टू भुवनेश्वर हम जा रहे हैं और कितना टाइम ले रहे हैं। 1 o'clock हमने स्टार्ट किए हैं, अभी गूगल मैप में दिखाया था 15 hours ऑलमोस्ट लगेगा, 775 किलोमीटर है, देखते हम कब पहुँचे। सो रात को 1 बजे से रंजन ड्राइव कर रहा था, अभी उसको बहुत नींद आ गया क्योंकि पूरा रात 4 घंटा उसने नियर अबाउट 4.5 घंटा उसने ड्राइव किया, अभी मुझे मिला है एटलीस्ट फाइनली। मैं अभी ड्राइव कर रही हूँ, रास्ता बहुत अच्छा है, वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। ओमी अभी भी सो रहा है, अभी बस 6:30, और व्यूज़ बहुत अच्छा है, 4 लेन है, मतलब मुझे मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। कल तो मुझे गाड़ी नहीं मिला था, आज मिला था। अभी रंजन जाग गया है फिर से, उन्होंने गाड़ी ले लिया है, यहाँ पर रोमी खेल रहा है, वो भी जाग गया है। तो हम एक जगह रुके थे बस थोड़ा सा कुछ चाय के लिए और बिस्किट के लिए, थोड़ा बहुत वहाँ पर ब्रेकफास्ट भी कर लिए हम। अभी एक जगह और रुकेंगे, गन्ना जूस मिला है हमें, देखा सडनली, तो अभी भी हम गन्ना जूस पियेंगे और फिर से हमारा जर्नी स्टार्ट कर देंगे, और कहीं नहीं रुकना है, बस लंच के लिए रुकना है। सो आप लोग जब भी जर्नी करेंगे खुद को हाइड्रेट रखने के लिए जितना चाहे पानी पीजिएगा, फ्रूट्स खाइएगा, गन्ना जूस, कोकोनट वाटर, ये सब रास्ते पे मिले तो रुक के वो ले लीजिएगा, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। लॉन्ग ड्राइव अगर बच्चे के साथ कर रहे हैं तो बच्चे को बीच में डायपर चेंज करते रहिए, या तो ट्राई करिए कुछ टाइम तक डायपर को बिना पहना के रखने के लिए, और उसको ड्रेस भी चेंज कराते रहिए, थोड़ा सा मुंह में, हाथ में, पैर में पानी दीजिएगा। सफ़र में और एक चीज़ ज़रूर करना चाहिए, वो है अच्छा सा म्यूज़िक और गाना सुनना चाहिए, फिर सफ़र आराम से कटता है। इतना अच्छा रास्ता और इतना अच्छा म्यूज़िक और क्या चाहिए। सो फाइनली वी फाइंड आउट ए गुड होटल, अभी हम लंच करेंगे। बहुत लंबा रास्ता जाना है तो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं वेस्ट करेंगे, यहाँ पर बस खाना खाएंगे और निकल जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं रुकना है कहीं भी एक्चुअली, जब भी सफ़र करना है ना, जैसे हम बस होटल से निकलने के बाद एक ही जगह रुके थे रेस्टो में, मतलब ढाबा जैसा छोटा सा था, उसमें चाय और ब्रेकफास्ट किए और एक गन्ना जूस पीने के लिए थोड़ा सा रुके थे, वहीं पर ही ओमी को डायपर चेंज करा दिया था, और अभी हम लंच के लिए रुके, बस अभी और कोई नहीं रुकना है, बस होटल में जाके रुकना है। ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है और हम ऑलरेडी उड़ीसा स्टेट में पहुंच गए हैं, एंट्री कर लिए, तो यहाँ पर जो भी हमें खाना मिलेगा वो उड़ीसा का खाना मिलेगा। बंगाल और उड़ीसा जो स्टेट है पास है, तो खाने में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होता है इन दोनों में, जैसे ये भी नॉनवेज स्टेट है और बंगाल तो नॉनवेज है, मछली और चिकन मटन ये सब तो बहुत ही अवेलेबल होता है, सब घरों में रोज ही बनता है ऑलमोस्ट, और जो स्पाइसेस है वो भी ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो हमें मुझे फील हो रहा है कि अभी बंगाल वाला फील मुझे ऑलरेडी मिलेगा खाने में, टेस्ट बंगाल का जो टेस्ट है खाने में। ये देखिए हम जो होटल में खाने रुके हैं, वहाँ से एक अच्छा सा मंदिर दिख रहा है और बाईपास के पास ही है ये रेस्टोरेंट, तो दिस नज़ारा जो बहुत सुंदर है, तो पीछे जो वॉश बेसिन है वहाँ पर भी बहुत सुंदर नज़ारा है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, रियली सी दूर में कितना अच्छा हिल और क्लाउडी वेदर, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत ही छोटा छोटा पहाड़ है और हम समुंदर के पास से चल रहे हैं, मतलब अभी जो एनएच से चल रहे हैं यहाँ से समुंदर का डिस्टेंस ओनली 45 किलोमीटर है। नाउ इट इज़ लंच टाइम और मैंने लंच पे ओमी के लिए ऑर्डर किए है फ़िश फ्राई, रूही फ़िश विथ वाइट राइस और घी के साथ उसको खिलाएंगे। मैंने अपने लिए चिकन बिरयानी ऑर्डर किए और रंजन के लिए कातला फ़िश कड़ी, वो भी वाइट राइस के साथ ही खाएगा, मतलब लंच बंगाली लंच ऑर्डर किए मैंने, अच्छे से खाए, वही लाइक। खाना सच में अच्छा था, मैं खाना हो गया, खाना अच्छा था, खाने के बाद मुझे अच्छा लगा, मतलब अच्छा फील हुआ कि जो बहुत दिन बाद घर का खाना मिला ऐसा फील हुआ, हाइजीनिक अच्छा था, क्लीन था, नीट, मतलब पसंद था, और रख के चले आए, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे पानी ख़त्म ही हो गया, ठीक है फ्रेंड, तो अभी बाद में दिखाते रहेंगे। और
हमने आधा से ज़्यादा रास्ता कवर कर चुके हैं, तो वी आर थिंकिंग कि हम 4:30-5 बजे तक पहुँच जाएंगे। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर और हम लोग भुवनेश्वर में ही हॉल्ट करेंगे फॉर वन नाइट। रंजन का एक कॉलेज फ्रेंड है, उनको हम पूछे क्योंकि वो भुवनेश्वर में रहते हैं कि कौन सा एक अच्छा सा होटल बताओ, तो उसको पूछने के बाद हमने रंजन बाय द रोडी ऑनलाइन बुकिंग कर लिए है। इस बार हमने ओयो से बुक नहीं किया, रेफरेंस से बुक करने में थोड़ा अच्छा होता है क्योंकि फीडबैक अच्छा ही होता है, उतना सरप्राइज नहीं होना पड़ता है जाने के बाद। ऑन द वे मुझे मिला बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, 2 मिनट के लिए रंजन रुका और मैंने जल्दी से कुछ क्लिप्स ले लिए हैं। क्या मैं तुम्हारे पास बैठूं? मैं सो रहा हूं, पापा और मैं भी मस्ती कर रही हूँ दोनों मिलके। क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा, तनु इतना मैं प्यार करा। गाइस अभी हम हाईवे में है, जल्दी जल्दी हमें चाय पीने की इच्छा किया तो अभी हम चाय पियेंगे। एक सुनसान, नॉट सुनसान पर हाँ एकदम कोई ज़्यादा लोग हैं नहीं, दूर में आपको पहाड़ दिख रहा है ना, दूर में पहाड़ है और यह हाईवे और वहाँ पर है रंजन उम्मीद के साथ। अभी वहाँ जाएंगे और बैठ के चाय पियेंगे। हबे का चाय पीने का मज़ा ही आ रहा है, अच्छा चाय है, मज़ा आ गया। अदरक इलायची और काली मिर्च डाल दिया है। यहाँ पर गर्मा गर्म दाल पूरी और प्याज का बड़ा प्याजी बन रहा है, तो उसको भी हमने टेस्ट करेंगे। यहाँ पर रोमी अकेला खेल रहा है बस चेयर को घिसक घिसक के, और हम बस पहुँच ही गए हैं, बस 50 किलोमीटर बचा है और फिर होटल पहुँच जाएंगे। थोड़ा तो स्पाइसी है पर टेस्टी है। चाय और स्नैक्स हो गया है और अभी मैं और रोमी थोड़ा वॉक कर रही हूँ। इतना अच्छा फील हो रहा है, बस शाम होने वाला है और अब देखो कितना ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, सो ब्यूटीफुल रियली। आप लोग अगर बाय रोड ही ट्रैवल करेंगे तो ये सब फील ले पाएंगे, सच में फ्लाइट में ये सब नहीं हो पाएगा। अभी हमें बोर लग रहा है तो हम अंताक्षरी खेलेंगे, क्या करें बैठे बैठे, क्या करना खेले अंताक्षरी का गाना। ना से बोलो, ना से गाना बोलो, तुम बोलो ना से बोलो, नहीं आता ना। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, ओह तुम। नजर के सामने जिगर के पास, सा सा से बोलो, सा से बोलो एक गाना जल्दी से। क्या सांस, सांस अटक गई क्या बोलो? सांस में तेरी सांस मिले मुझे, सांस आई मुझे, सांस आई मुझे, सांस आई। वाह सो ब्यूटीफुल, हिल हिल। अभी गाना गाएंगे ओमी एकदम से खुशी से लूट पड़ेगा। दिल सा दबस को साउंड 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 राउंड 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 ऑल डे इन द टाउन, वाइपर ऑन द बस को सिप 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 all day the town, motor on the bus brum 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 brum, ai dekho hamara bhi motor brum brum kar raha hai brum 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 all day the town, fit daddy on the bus I love you I love you, baby on the bus kyao 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 all day in the town.
चुरा के दिल मेरा गुड़िया चली, मुझे क्या पता कहाँ मैं चली। पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, तेरी गली में चली चुरा के दिल तेरा गुड़िया चली। मुझे क्या पता कहाँ मैं चली। तो सफ़र ऐसे ही होना चाहिए, बस मस्ती में घूमते हुए जाना चाहिए। वी थ्री रियली रियली एंजॉयिंग दिस जर्नी। मेरा बच्चा सो गया फिर से। ऑलमोस्ट रीच भुवनेश्वर, जो सिटी है वहाँ पर पहुँच गए हैं। और अभी हम होटल जाएंगे, फिर जल्दी से फ्रेश हो जाएंगे। चेक इन करने के बाद हम आउटसाइड ही डिनर करेंगे, क्योंकि यहाँ का स्ट्रीट फूड एंड स्वीट्स रियली रियली यमी। ये होटल एनएच के पास में है तो अच्छा है, ज़्यादा अंदर होगा सिटी में तो थोड़ा टाइम लिमिटेड हो जाता है। तो रंजन अभी चेक इन कर रहा है और ओमी यहाँ पर खेल रहा है। दिस इज़ गुड होटल, इसका पहले से ही फीडबैक हमें मिल गया था रंजन का फ्रेंड से, तो वी रियली लाइक दिस प्लेस। अभी हमें अच्छे से शावर लेना है और फ्रेश हो जाना है। अगर जर्नी में रूम अच्छा हो, होटल का होटल अच्छा हो, बाथरूम अच्छा हो, तो रियली बहुत फ्रेश फील होता है और जर्नी उतना टफ नहीं लगता है। जर्नी मज़ेदार बन जाता है अगर आप लोग अच्छे से नहा लिए, अच्छे से सो पाए अच्छा एक बेड पर, तो रियली जो जर्नी है वो उतना स्ट्रेसफुल नहीं लगता, वो अच्छा हो जाता है। सो वी ऑलवेज प्रेफर गुड होटल के हम टायर्ड ना हो। तो दिस इज़ आवर रूम। अभी होमी तो बस मस्त हो गया खेलने में फिर से। आई ऑलवेज लाइक ड्राई बाथरूम, सो आई विल गो फास्ट फॉर फ्रेश। बस उससे पहले ओमी को फ्रेश करेंगे। सो आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी वी आर फीलिंग सो फ्रेश आफ्टर टेकिंग ए गुड शावर। अभी हम जा रहे हैं डिनर के लिए। उड़ीसा जो है बेसिकली वो टूरिज्म स्टेट में काउंट होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी बीच है, पूरी सी बीच, एंड वहाँ पर है फेमस जगन्नाथ टेम्पल, फिर है कोणार्क टेम्पल, नागेश्वर टेम्पल, दो पुराना केव है उदयगिरी एंड धवलगिरी। सो टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ पर। भुवनेश्वर जो कैपिटल है यहाँ पर एयरपोर्ट है, और रास्ता मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दो साइड में फुटपाथ है, ग्रीनरी है, वेल मेंटेन एंड प्लानिंग सिटी लग रहा है। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं एक छोटा सा रेस्टो है। यहाँ पर डोसा, इडली, आई मीन साउथ इंडियन फूड बहुत बढ़िया मिलता है। उसके फ्रेंड ने बोला तो आज हम साउथ इंडियन ट्राई करेंगे, डोसा खाएंगे, जो है नहीं उड़ीसा का फूड फिर भी हम ट्राई करेंगे, क्योंकि फ्रेंड ने बोला एक बार यहाँ का डोसा ट्राई करके जाना। आफ्टर दैट डेफिनेटली वी विल टेक हेयर स्ट्रीट फूड, लोकल स्ट्रीट फूड। सो मैं बता रही हूँ, मैंने मेनू देखने के बाद ये प्लेन डोसा और मसाला डोसा ऑर्डर किया। ये डोसा के साथ 3-4 टाइप का चटनी दिया है, कोकोनट चटनी, और ये सांभर भी दिए है,
पुदीना का चटनी दिया, द टेस्ट इज़ रियली गुड। मैंने उम्मी को प्लेन डोसा खिलाती हूँ, जब भी खिलाती हूँ मसाला थोड़ा सा स्पाइसी रहते हैं उसमें, तो वो नहीं खा पाता है। ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड लग रहा है, क्योंकि यहाँ का खाना अच्छा है तो लोग आते रहते हैं। वी आर डन हेयर नाउ, इट इज़ डेजर्ट टाइम। आफ्टर फूड विदाउट स्वीट्स खाना कंप्लीट नहीं होगा, और वो भी उड़ीसा का स्वीट्स नहीं मिस कर सकते। तो अभी हम आए हैं छप्पन भोग बोल के, यहाँ पर एक फेमस स्वीट शॉप है वहीं पर। ये शॉप और एक चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि यहाँ पर 56 प्रकार का भोग मिलता है, खाने का आइटम। इतना सारा मिठाई में सबसे बढ़िया जो होगा टेस्ट उस वो है रसगुल्ला का। जैसे बंगाल का रसगुल्ला सब जानते हैं, वैसे उड़ीसा का भी रसगुल्ला बहुत ही फेमस है। दो प्रकार का रसगुल्ला मिलता है, एक होता है गुड़ का जो गुड़ गुड़ से बनता है, और एक होता है चीनी का जो सादा वाला। और अभी वो बन रहा है, वी आर लकी। सो अभी मुझे गरम गरम टेस्ट करने के लिए मिलेगा। रसगुल्ला के साथ साथ इस शॉप में तो 56 भोग के बारे में बताए, जो 56 प्रकार का आइटम खाने का मिलेगा, और मिलेगा आपका कुकीज़ बिस्किट्स ये सब भी, नमकीन वगैरह भी ये शॉप में मिलेगा। तो दिस इज़ वेरी गुड शॉप। तो मेरा रसगुल्ला आ गया, इट्स रियली हॉट। अभी पहले मैं गुड़ का रसगुल्ला ट्राई करूँगी, देखते हैं मैं कितना खा पाऊँ। बेंगलोर में रहती हूँ, वहाँ पर स्वीट्स शॉप बहुत है, पर वो टेस्ट नहीं मिलता जो टेस्ट मुझे कोलकाता में मिलता है, और जो अभी उड़ीसा में मिल रहा है। उड़ीसा का भी रसगुल्ला बहुत ही अच्छा है। मम्मी ऑल्सो इन्जॉइंग, रंजन इन्जॉइंग। रंजन तो मिठाई का पागल है। अभी मैं थोड़ा सा कम खाती हूँ मिठाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा डाइटिंग में हूँ, पर टुडे आई विल नॉट स्टॉप। ये है गुड़ का रसगुल्ला। तो हमने क्या क्या खाए, हमने स्ट्रीट फूड खाए, डोसा खाए, और हमने रसगुल्ला खाए गुड़ का और ऐसे ही चीनी का। तो दिस ऑल अबाउट, वी आर जस्ट फुल। अभी हम जाके जल्दी से सो जाएंगे। होटल से ये वाला मार्केट वॉकिंग डिस्टेंस 5 to 10 minutes है, और वेदर जो है बहुत ही प्लेजेंट है। सेप्टेम्बर मंथ है, और रियली इट इज़ द गुड टाइम टू कम हेयर। अभी हम वॉक करके होटल रिटर्न कर रहे हैं, और रास्ते के दोनों साइड में बहुत सारा स्ट्रीट फूड का शॉप है, छोटा छोटा शॉप। इन सब शॉप में आप लोगों को मिलेगा मोमोस, चिकन लॉलीपॉप, चाउमीन, भेलपूरी, पकोड़ा, इवन स्ट्रीट बिरयानी, पानी पूरी का स्टॉल, आइसक्रीम से लेके स्वीट्स, मैनी मैनी स्टॉल इज हेयर। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पर ही है। उड़ीसा और बंगाल में सिटी में, और आप कहीं भी जाएंगे, विलेज में भी बोल सकते हैं, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको खाने का दुकान बहुत मिलेगा, और आइटम वैरायटी है। कम पैसे में आपको बहुत सारा खाना मिलेगा विथ गुड टेस्ट। सो आई लाइक भुवनेश्वर, आई लाइक उड़ीसा। अगर आप लोग आना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली कम। हमारा तो हो गया डन, आज का रात बस बिताएंगे, और कल मॉर्निंग में फिर हम यात्रा स्टार्ट कर देंगे। लास्ट में मैं बताना चाहूँगी कि विजयवाड़ा से भुवनेश्वर का जर्नी अच्छा रहा। 15 hours 20 minutes तक हमें लगा पूरा जर्नी कवर करने में। ओमी सो गया है अभी, गुड नाइट सबको बोल के मैं भी सो जाऊंगी, क्योंकि सुबह उठना है और ब्रेकफास्ट करके ही निकलना है। नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी अपडेट होगा। अभी के लिए बाय बाय।